तो देखा यार कितनी आसानी से जो है हमने अपने यूएसबी केबल के थ्रू अपने मोबाइल के इंटरनेट को जो है अपने लैपटॉप या फिर कंप्यूटर में कनेक्ट कर लिया। इसी तरीके से जो है आप भी कहीं भी कभी भी जो है अपने डेटा को कनेक्ट कर सकते हैं। अगर आप घर में भी नहीं है, किसी और का कंप्यूटर यूज़ कर रहे हैं, तो इस तरह से इंटरनेट यूज़ कर सकते हैं। हाय गाइस, स्वागत करता हूँ आपको फिर से एक ब्रांड न्यू वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में आप जानने वाले हैं कंप्यूटर में इंटरनेट कैसे चलाएं पार्ट टू। यानी कि अभी रिसेंटली मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने आपको बताया था कि कैसे आप अपने मोबाइल के इंटरनेट को अपने कंप्यूटर या फिर लैपटॉप में कनेक्ट कर सकते हैं वायरलेसली, यानी हॉटस्पॉट की मदद से। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप वायर के थ्रू यानी यूएसबी केबल के थ्रू जो है आप अपने मोबाइल के इंटरनेट को जो है अपने लैपटॉप या फिर कंप्यूटर में यूज़ कर सकते हैं। तो चलो मेरे साथ इस वीडियो को एंड तक देखते हैं और समझते हैं पूरे प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप। देखो, आप कोई भी ब्रांड का फोन यूज कर रहे हैं डजंट मैटर, ठीक है। जो भी मैं अभी आपको सेटिंग्स बताने जा रहा हूं, बस आपको एज इट इज ये फॉलो करना है। हो सकता है आपके फोन में ऑप्शन वगैरह का नाम थोड़ा बहुत चेंजेस हो, लेकिन बस आप इस सेटिंग्स को समझो एंड इसको आप फॉलो करना, ठीक है। तो सबसे पहले आप अपने फोन में आ जाओ एंड यहां पे मोबाइल डेटा को ऑन कर लो, ठीक है। कर लिया, अब अपने फोन के सेटिंग्स के अंदर आ जाओ एंड यहां पे जो है आपको देखो दिख रहा है कनेक्शन एंड शेयरिंग। तो मेरे केस में कनेक्शन एंड शेयरिंग दिख रहा, हो सकता है आपके केस में पोर्टेबल हॉटस्पॉट दिख रहा हो, डजंट मैटर, ठीक है। कुछ भी दिख रहा हो, ओवरऑल मेरा कहने का मतलब यह है कि आपको अपने हॉटस्पॉट वाले सेक्शन के अंदर आ जाना है और यहां पे आपको एक ऑप्शन दिख रहा होगा यूएसबी टेथरिंग, ठीक है। उस सिंपली से आपको जो इसको इनेबल कर देना है। जब आप इसको इनेबल कर देंगे, डन, आपका फोन से काम खत्म हो गया। अब चलो मैं लेके चलता हूं अपने पीसी पे। अब देखो यहाँ पे जो है नीचे नेटवर्क का एक जो ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ पे देखो अभी कुछ भी कनेक्टेड नहीं है और लिख रहा है नॉट कनेक्टेड, ठीक है। जैसे ही मैंने उसको इनेबल किया, अब देखो यहाँ पे नेटवर्क का ऑप्शन आ गया है। अब ये पूछ रहा है कि कौन सा आपका नेटवर्क है, किस टाइप का, होम है या फिर पब्लिक है। एंड यहाँ पे देखो एक लैपटॉप का आइकन बन गया, यानी कि ये जो है कनेक्ट हो चुका है। देख सकते हैं यहाँ पे कनेक्टेड भी लिखा हुआ है। तो एक बार मैं आपको टेस्ट करके दिखा देता हूँ कि यहाँ पे जो है सक्सेसफुली ये कनेक्ट हुआ है या नहीं, यानी कि ये वर्क कर रहा है या फिर नहीं। देखो मैंने यहाँ पे गूगल सर्च किया, तो देख सकते हैं कि यहाँ पे गूगल जो है इजीली ओपन हो गया। अब मैं यहाँ पे यूट्यूब सर्च करता हूँ, तो देखो यहाँ पे YouTube सर्च भी हो गया। अब मैं इसको ओपन करता हूँ, तो देख सकते हैं यहाँ पे जो है YouTube सक्सेसफुली जो है ओपन भी हो गया है। तो देखा यार कितनी आसानी से जो है हमने अपने USB केबल के थ्रू अपने मोबाइल के इंटरनेट को जो है अपने लैपटॉप या फिर कंप्यूटर में कनेक्ट कर लिया। इसी तरीके से जो है आप भी कहीं भी कभी भी जो है अपने डेटा को कनेक्ट कर सकते हैं। अगर आप घर में भी नहीं है, किसी और का कंप्यूटर यूज़ कर रहे हैं, तो इस तरह से इंटरनेट यूज़ कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दो, दोस्तों को शेयर करना मत भूलना। और अगर इस वीडियो के रिगार्डिंग कोई भी डाउट है, सजेशन है या फिर कोई सवाल है, तो नीचे कमेंट कर देना। 100% ट्राई करूंगा आपके कमेंट का रिप्लाई करने का। और अगर आपका कोई जेन्युइन सवाल हुआ, तो आपके ऊपर जो है एक डेडिकेटेड वीडियो लेकर आ जाऊंगा। और हां, यहां पे दो वीडियो का लिंक दे रहा हूं, जो भी आपको जानना है उस पर क्लिक करो एंड एंजॉय करो।